हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में आपके बच्चों का फेवरेट जैम बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं। आप क्या बता सकती हैं जैम मैंने कैसे बनाया? बहुत ही इजी, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स मुझे लगे हैं इसको बनाने के लिए और ये विटामिन सी से भरपूर है और घर का बना हुआ है। देखिए, पहचानते हैं आप इनको, ये है आलू बुखारे। इसे हम आलू जैम बनाने से के लिए हम ले रहे हैं पांच दो आलू बुखारे और 5 टेबलस्पून शुगर। आलू बुखारे को आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और गुठली को हटा दीजिए। देखिए, जैसे मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी, अब आप सिंपल क्या करिए, इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में। मैं आपको माइक्रोवेव में बना के दिखा रही हूँ। देखिए, जैसे आप माइक्रोवेव को खोलिए और इसके अंदर इसको प्रॉपरली रख दीजिए और आप 2 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए। 2 मिनट तक आप इसे होने दीजिए, फिर इसके बाद एक बार इसको आप चम्मच से हिला दीजिए। फिर देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस चल रहा है। और जब आप अपने बच्चों को घर पे अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ खिलाते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और आजकल जब जैसा ये टाइम चल रहा है उसमें ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2 मिनट में सिर्फ 2 सेकेंड ही बचे हैं। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए, 2 मिनट में ये कुछ इस तरीके से हो गई है। थोड़ा पतला है अभी, आप इसको 2 मिनट्स के लिए अच्छे से मिलाइए और फिर 2 मिनट के लिए और रख लीजिए। देखिए, जैसे आपने इसको पहले 2 मिनट चलाया, फिर 2 मिनट और चलाया, फिर आप इसकी कॉन्सिस्टेंसी देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। एक तो आलू बुखारे के आपको छिलके नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि जो छिलके होते हैं जो आलू बुखारे के, इन्हीं से जैम में कलर आएगा नेचुरल। आप इसको अच्छे से देखिए, ये जैम रेडी है आपका। ये काफ़ी अच्छे से इसको स्टिर कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जब आप इसका ठंडा हो जाएगा तो ये इस तरीके से आपका और गाढ़ा हो जाएगा। बस फिर आप अपने कोई भी बॉटल में, ग्लास बॉटल में इसको फिल कर लीजिए और आपके फ्रिज में रखिए। देखिए, 5 मिनट्स के अंदर ही आपका जैम रेडी हो गया। आप बनाइए और अपने बच्चों को और खुद भी खाइए। थैंक यू।